हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम बहुत दिनों से वीडियो बना रहे थे और आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि मैं जहां पे कोचिंग पढ़ाता हूं, जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं, वो लगातार मेरी वीडियो को देखते थे, लेकिन और कोई बाहरी लोग हमारी वीडियो को नहीं देख पा रहे थे। मैं लॉकडाउन से ही वीडियो बनाता हूँ। सुविधा की कमी होने के कारण मैं कभी फ्रंट पर नहीं आया, क्योंकि जूम कर करके बच्चों को दिखाता था। आप देख सकते हैं, छोटा सा बोर्ड है, उस पर मैं कर रहा हूँ। तो बच्चों ने कहा, सर आप फ्रंट पर आइए, फ्रंट पर आइएगा तो फोकस बढ़ेगा लड़कों का और आपको देखेंगे। तो आज मैं जब एक नया सेशन बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना फ्रंट पर आता हूँ, और फ्रंट पे आ रहा हूँ। अब मैं आपको इस बायोलॉजी का 10th क्लास का पहला चैप्टर, जो कि लाइफ प्रोसेस, जिसे कि हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम आपको समझाएंगे। एक दो पार्ट में हम इसको ये क्या करेंगे, वीडियो को कंप्लीट करेंगे, मतलब कि इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों के पास अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोग को नोट्स भी प्राप्त हो जाएं, क्योंकि अभी जस्ट ही 10th क्लास स्टार्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं और आज हमारा ये पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है जैव प्रक्रम, जिसे कि कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है? मनुष्य के जीवन में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि सिर्फ खाना ही जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारे शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए, सांस लेने के लिए। और ये प्रोसेस जो है, जो हमारे लाइफ को, जो एक मनुष्य के या किसी भी जीव जंतु के जीवन को मेंटेन करता है, किसी भी जीव जंतु के जीवन को जब जो मेंटेन करता है, उसी को ही हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं जूम भी करवा दिया करूँगा बीच में, जिससे कि आप जो है, ये लाइफ प्रोसेस को इन पार्ट्स में बांटा गया है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, और एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। क्या होता है, इन पार्ट्स में लाइफ प्रोसेस को क्या किया गया है, बांटा गया है। अब लाइफ प्रोसेस क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि मेंटेन करता है मनुष्य के जीवन को, और इन्हीं सब के द्वारा एक किसी भी जीव का जो है जीवन, वो क्या होता है, मेंटेन होता है। जिसमें सबसे पहला हमारा न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना, भोजन। हमें सही खाना मिले, सही ऊर्जा मिले, और जो हम खाना खाते हैं उसी को यूटिलाइज करके फूड के रूप में या एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में आता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन के बाद हमारा आता है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन क्या होता है, जो खाना हम खा रहे हैं उस खाने का उपचयन या अपचयन, हिंदी में बोले तो उस खाने का उपचयन या अपचयन किया जाना चाहिए। वो उपचयन या अपचयन किस प्रोसेस, उपचयन या अपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं, और वो प्रोसेस कंप्लीट होता है किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। तो जब भी हम अपनी श्वसन क्रिया के द्वारा यानी कि रेस्पिरेशन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, इस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, इसको सरल करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा इसको क्या करता है, सरल बनाता है। तो ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है, और सांस लेने के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ये भी आप लोग तो जानते ही हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, परिवहन होता है। ये इसमें क्या होता है कि अब शरीर के अंग हैं, अब मुख से ले रहे हैं खाना, तो फिर वह जो है हमारे शरीर में मुख से गले में गया, गले से अमाशय यानी कि स्टोमैक में गया, स्टोमैक से वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह का प्रोसेस चला रहता है, यानी कि खाने का परिवहन होते रहता है। परिवहन मतलब कि खाना जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता है, ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है। ये भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो होती है, दो में होती है। आप लोग को पता होगा, आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, ये चीज़ें क्या होती हैं, दो होती हैं। एक होता है यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर में। अब यूनिसेलुलर क्या होता है, इसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। और एक होता है मल्टीसेलुलर। क्या होता है, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या होता है, ये होता है बहुकोशिकीय जीव। तो अब हम आपको समझाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यूनिसेलुलर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, एक कोशिका का बना हुआ है, इसीलिए उसके किसी भी अंग से खाना आ जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है, और किसी भी अंग से वह बाहर निकल जाता है, वह एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता
है। तो न्यूट्रिशन के लिए यूनिसेल्यूलर में क्या होता है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूनिसेल्यूलर में खास कोई अंग की या ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वे एक सेल्स के ही बने होते हैं, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। लेकिन मल्टीसेल्यूलर जैसे हम लोग जैसे जीव जितने भी जंतुएं हैं या हम मनुष्य हैं, ह्यूमंस हैं, इसके लिए ये मल्टीसेल्यूलर जीव है, तो इसके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब ये क्या करेंगे कि अब ये खाना खाएंगे, अब इनका खाना जो है वो पहले गले में जाएगा, फिर आपको जैसे बताया पेट में जाएगा, फिर हमारा जो हुए मलाशय द्वार यानी कि एनस के द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन प्रोसेस कहलाता है। न्यूट्रिशन हम जो लेते हैं वह प्रोसेस कहलाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है? बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या हुआ कि जब हम खाना खा लिए, ये सब में होता है, यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टीसेलुलर में भी होता है। जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद क्या होगा कि जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ, अपचे पदार्थ बच जाएंगे, जिस पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, पचा नहीं सकते हैं, तो उस पदार्थ को क्या करते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं, उसका एक्सक्रीशन कर देते हैं। जैसे कि हमारे मल वगैरह हुए, मल मूत्र वगैरह हुए, तो वही हुआ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी बहुत ज़रूरी है। अब लाइफ प्रोसेस में ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि है रिप्रोडक्शन। उसको मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये उस समय नहीं आता है। रिप्रोडक्शन का काम जो है हमारे लाइफ को मेंटेन करना नहीं है। रिप्रोडक्शन से कोई भी जीव क्या करता है, अपने जो है वो क्या कहते हैं, संख्या में वृद्धि करता है। क्या करता है? संख्या में वृद्धि करता है। हिंदी में क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, आप लोग को पता होगा। तो इससे क्या करता है कि कोई जीव अपने क्या करता है, संख्या में वृद्धि करता है, तो इसे क्या कहते हैं, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। अब जो ये लाइफ प्रोसेस है उसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, कि जीवों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। पहले न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि कौन से जीव में किस तरह न्यूट्रिशन होता है, प्लांट में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है। तो चलिए अब इधर आते हैं। इस साइड में मैंने न्यूट्रिशन लगा के रखा है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, अच्छा क्यों चाहिए ऊर्जा? इसलिए ऊर्जा चाहिए कि बिना ऊर्जा के हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर को जीने के लिए, या हमारे शरीर में कहीं भी टूट जाता है, फूट जाता है, कट जाता है, तो उसको जो हम ठीक करते हैं, वो जो हमारे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि कोई भी कार्य करने के लिए भी क्या होता है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन क्या है? पोषण है हमारा। अब मुख्यतः 5 तरह के पोषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पोषक तत्व जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं? पोषक तत्व को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिएंट। जो हमारे 5 तरह के 5 न्यूट्रिएंट होते हैं मेन, वो कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। इसको हिंदी में बोलें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये होते हैं 5 मुख्य पोषक तत्व, जो अगर किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव जंतु के शरीर में सही तरीके से मिल रहा है तो वो मनुष्य बहुत ही हेल्दी और वह सब पोषक तत्वों से भरपूर होगा। तो इसी ये हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब ये न्यूट्रिशंस जो होता है ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में हम लोग स्वपोषी कहते हैं और हेटरोट्रॉपिक को परपोषी कहते हैं। अब हुआ कैसे? ग्रीक लैंग्वेज में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतः। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ यानी कि स्वतः यानी कि खुद। और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है यानी कि पोषण होता है। तो ऑटो का मतलब सेल्फ हो गया, ट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिशन हो गया। फॉर एग्जांपल इसके हैं प्लांट्स, आगे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हेटरोट्रॉपिक की तरफ देखते हैं, हेटेरो। अब हेटेरो का मतलब ग्रीक वर्ड में ही क्या होता है? डिफरेंट होता है। हेटेरो का मतलब ग्रीक वर्ड में ही क्या होता है? डिफरेंट यानी कि भिन्न यानी कि अलग। हेटेरो का मतलब क्या होता है? भिन्न यानी कि डिफरेंट होता है हेटेरो का मतलब। और टॉपिक का मतलब तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण आपको पता लग ही गया है।
अब इसमें जो है वह भोजन कैसे बनता है और इसमें भोजन कैसे बनता है वो हम देखेंगे, ये कैसे अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं और ये कैसे अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं, पहले हम ऑटोट्रॉपिक के बारे में जानते हैं। ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल प्लांट्स हैं, इनसे आपको कुछ समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने पहले भी बहुत बार पढ़ चुका है तो कुछ ध्यान में भी आ गया होगा। प्लांट्स विथ हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, किसके हेल्प से? क्लोरोफिल के हेल्प से। होता क्या है कि प्लांट की पत्तियों में क्या होता है, पैराकाइम होता है, स्पॉन्जी पैराकाइम होता है, एक उसका भाग है, उस आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। उस पैराकाइम में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णक। क्या कहते हैं? हिंदी में वर्णक कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक पिगमेंट वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। ये पाया जाता है। अब ये क्या करता है कि ये जो है सूर्य के प्रकाश को या CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और क्या बनाता है, अपना खाना स्वतः क्या कर लेता है, बना लेता है अपने न्यूट्रिशन को स्वतः, यानी कि खुद क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। और किस प्रोसेस के द्वारा करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस से करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि सन से लाइट, उसके बाद एटमॉस्फेयर से CO2 और मिट्टी से जल तथा ऑक्सीजन वगैरह लेकर क्या करता है, वाटर लेकर क्या बनाता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये जो पौधे भोजन बनाते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे कि किस प्रोसेस द्वारा भोजन बनाते हैं। अब आते हैं इधर, ये आपको पता लग गया, समझ में आ गया। अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक। अब हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं वो विदाउट क्लोरोफिल, मैंने इसलिए लिखा विदाउट क्लोरोफिल क्योंकि ये अब जो जीव हैं ये खुद भोजन नहीं बनाते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए ये भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, इनमें क्लोरोफिल क्या होता है, नहीं पाया जाता है। अब इसके जो हैं तीन चार पार्ट हैं, मोस्टली तीन पार्ट लिखे रहते हैं, मैंने चार लिखा है, आपके बुक में तीन होगा या हो सकता है ज़्यादा भी हो। अब ये जो होते हैं, पहला सेप्रोथाइटिक, इसे मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी। उसका पैरासाइटिक, इसको परजीवी कहते हैं। सिम्बायोटिक, इसको सहजीवी कहते हैं। और होलोजोइक, इसको प्राणी संभोजी कहते हैं। अब एक एक करके इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब ये सेप्रोथाइटिक क्या होता है? सेप्रोथाइटिक होता है मृतजीवी। ये क्या होते हैं? सेप्रोथाइटिक का अर्थ क्या है कि ऐसे जीव जैसे कि हमारे हो गए कुछ वायरस, कुछ फंगी, कुछ बैक्टीरियाज, ऐसे जीव होते हैं जो कि मृत जीवों से क्या करते हैं, मृत जीवों से, यानी कि जो भी जीव मर जाते हैं या सड़े गले पत्ते पौधे जो, अब सड़े गले पत्ते पौधे, पौधों के जो पत्ते होते हैं जो सड़ गलकर पतझर में नीचे गिर जाते हैं, उनको भी तो उनका हम मृत यानी कि डेड कंपोनेंट ही कहेंगे। तो चाहे उनका डेड कंपोनेंट हुआ या कोई जीव जंतु मर गया, तो उनसे ये क्या करते हैं, अपना भोजन करते हैं। उनसे क्या करते हैं? अपना भोजन करते हैं, जिसे हम कहते हैं मृतजीवी। जैसे कि आपने सुना होगा डीकम्पोजर, इन्हें क्या कहा जाता है, डीकम्पोजर भी कहा जाता है। डीकम्पोजर का अर्थ क्या होता है? डीकम्पोजर मतलब हो जाता है अपघटक, यानी कि सड़े गले पदार्थों को जो खाकर क्या करता है, समाप्त कर देता है या फिर क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है। सड़े गले पदार्थों को खाकर क्या करता है, समाप्त करता है या मिट्टी में मिला देता है। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे डीकम्पोजर हो जाते हैं, यानी कि मृतजीवी हो जाते हैं। इसके अंदर क्या आता है, फंगी भी आएगा, कुछ वायरस भी आएंगे और सारे हैं, आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, या अगर आप लोग का कमेंट बढ़िया आया, इस पर व्यू बढ़िया आया, लाइक अच्छा आया, तो हम जब PDF डालेंगे तो उसमें इन सब का जो है आपको डिटेल में डाल दूंगा। दूसरा आता है हमारा पैरासाइटिक। क्या आता है? अब पैरासाइटिक यानी कि परजीवी। ये वैसे जीव होते हैं जो दूसरे पर क्या रहते हैं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी कि दूसरों से अपना भोजन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अमरबेल का एक पौधा है। क्या है? अमरबेल का पौधा। वो क्या करता है कि बहुत सारे झाड़ियों के ऊपर जो है वह क्या होता है, जैसे कि हम लोग का वो होता है ना, क्या कहते हैं, लत, जैसे कि कद्दू वगैरह के लत होते हैं, वो क्या कहते हैं, बहुत सारे झाड़ियों या पौधों पर क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, बिथर जाते हैं,
ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, फिर उससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनके भोजन से ही ये क्या लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कि किसी दूसरे के भोजन को स्वयं क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना, किसी दूसरे के भोजन को ले लेना, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे परजीवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परजीवी कहलाते हैं। उसके बाद आता है, इसका एग्जाम्पल एक है अमरबेल का पौधा। क्या है, अमरबेल का पौधा। इसका इंग्लिश में मीनिंग अभी हमको ध्यान में नहीं है, पीडीएफ जब डालेंगे तो उसमें भी डाल देंगे, अमरबेल का पौधा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा नंबर आता है हमारा सिम्बायोटिक, सहजीवी। ये क्या होता है, ये होता है कि ये दो जीव ऐसे आपस में कनेक्ट रहते हैं कि एक जीव दूसरे को रहने की जगह देता है और दूसरा जीव पहले को क्या करता है, खाना देता है। जैसे कि हम फंगी और एल्गी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फंगी और एल्गी की बात करते हैं। एल्गी, एल्गी मतलब ये शैवाल हुआ, स्पेलिंग गलत होगा तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, और फंगी मतलब कवक होता है। क्या होगा, फंगी मतलब कवक हुआ, एल्गी मतलब क्या हुआ, शैवाल हुआ। अब ये फंगी, फंगी क्या करता है कि फंगी का काम है कि वो जो है नमी वाले सड़े गले जगहों पे, जहाँ पे वो क्या कहते हैं, नमी या फिर मृदु ज़्यादा होगा, क्या कहते हैं, जैसे कि पानी ज़्यादा दिनों तक जमा हो जाता है तो कैसे क्षेत्र हो जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में नमी वाले क्षेत्रों पे ये अपना क्या करता है, आते हैं, यानी कि अपनी जगह को बनाते हैं। और एल्गी क्या करता है, अब ये क्या करेगा, ये फंगी जो है ये एल्गी को देगा रहने की जगह, ये क्या देगा, इसको रहने की जगह देगा। ठीक है, नमी वाले क्षेत्रों में रहने की जगह देगा। और ये शैवाल जो होते हैं, ये हरे लाल शैवाल, हरे लाल शैवाल, अब देखिए ये नहीं है कि सिर्फ हरे में ही पत्तियों में शैवाल में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, कुछ एक ऐसे होते हैं जो लाल और भूरे में भी थोड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये हरे और लाल शैवाल जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि स्वतः क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और ये जो भोजन बनाते हैं खुद से फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये क्या करते हैं कि ये इनको फंगी, फंगी जो है वो एल्गी को, यानी कि शैवाल को, हिंदी में लिख देता हूँ, शैवाल को स्पेस देते हैं। ठीक है, और ये जो हैं इसको क्या देते हैं, फूड देते हैं। ये इसको क्या देंगे, स्पेस, यानी कि रहने की जगह देंगे, और शैवाल फंगी को क्या देंगे, फूड देंगे। शैवाल क्या देंगे, फंगी को फूड देंगे। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, और सहजीवी सिम्बायोटिक क्या होता है आपको पता लग गया। अब अंतिम पे आते हैं हमारा होलोजोइक, यानी कि प्राणी संभोजी। ये क्या होता है, प्राणी संभोजी क्या होता है, ये हमारे जैसे जीव जंतु होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे जैसे जीव जंतु होते हैं जो पूर्णतया दूसरों पर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, पूर्णतया दूसरों पर डिपेंड करते हैं खाना बनाने के लिए। अब ये क्या करते हैं कि कहीं से इनको कोई किसी प्रकार का कुछ भी नहीं मिलता है, ये खुद से खाना नहीं बनाते हैं, ये भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं। जैसे मनुष्य खाना बनाते हैं, या फिर जीव जंतु जो है दूसरे के खाना पर डिपेंड रहते हैं, मेंढक हुआ, अमीबा भी कुछ इसी तरह के जीव हैं, यूनिसेलुलर में एक अमीबा आता है जो इसी तरह के जीव है। तो ये होलोजोइक जो होता है, प्राणी संभोजी होता है, इसके एग्जाम्पल्स आप रख लीजिए, एनिमल्स, ह्यूमन, आपका फ्रॉग हो गया यानी कि मेंढक हो गया, ये सब जो हैं ये क्या है, प्राणी संभोजी हैं। ये जीव क्या होते हैं, दूसरों पर पूर्णतया निर्भर होते हैं खाना बनाने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है इंट्रोडक्शन का क्लास समझ में आया होगा। इसके बाद ये था इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको लाइफ प्रोसेस क्या है और उसमें न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया। अब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इस प्रोसेस को मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट्स के और अमीबा में लेके आएंगे, और उसमें मैं ह्यूमंस को लेके आऊँ, क्योंकि ह्यूमन थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अब तो पसंद आएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।